नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास सेकंड की। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बेस और रिमाइंडर के बारे में पढ़ा था। बेस क्या होता है, जो पावर ऑफ 10 है, जो भी हमें नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि उनका जो नियरेस्ट नंबर है। जैसे हम 9 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट नंबर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 99 को 97 से मल्टीप्लाई करें, इस तरह के नंबर, वो 100 के करीब है, नियरेस्ट नंबर क्या रहेगा, 100, यानी कि बेस वहां 100 बनेगा। तो वही जो डिजिट है आज हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं, बेस को जब हम बेस में से जब उनको माइनस करते हैं तो वो बैलेंस या लेफ्ट बचता है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो चलिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करते हैं। तो ये इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं, टू टू डिजिट के। और ये हमने जो ये नंबर लिए हैं 100 के करीब के लिए हैं, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। हम पूरे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, तो आप जो है एक सीरीज के अंदर सारी क्लासेस को देखिएगा। तो यहाँ पर 91 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, 97 को 93 से, 96 को 95 से, और 98 को 87 से। तो हम इसको कैसे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ पर बेस हमारा रहेगा 100, क्योंकि पावर ऑफ 10 जो है, यानी कि 10 की स्केयर होगी, यानी कि नियरेस्ट नंबर 100। तो इसके पास वाला 100 है, 91 के पास भी 100 आता है, 92 के पास वाला नंबर भी 100 है। तो इस तरह के नंबर को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस तो आपका ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनको जो है 91 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इनको कैसे लिखेंगे, 91 यहाँ पर लिखेंगे और 100 में से आप इसको माइनस कर देंगे। अगर आप आसानी ट्रिक चाहते हैं इसको माइनस करने की, तो आपको करना क्या है, जो आपके लेफ्ट वाले नंबर होते हैं, जैसे इस तरफ ये लेफ्ट वाला नंबर है, इसको तो 9 में से माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, 9 माइनस 9 0। और जो लास्ट वाला नंबर होता है, यानी कि ये जो राइट वाला नंबर है, तो इसको हम 10 में से माइनस करते हैं, यानी कि जो भी लास्ट वाला नंबर होगा, चाहे 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उसमें उसको हम 10 में से माइनस कर देंगे। और इसके जितने भी लेफ्ट में, उनको 9 में से माइनस करते आ जाएंगे, फटाफट से हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 9 0, तो यहाँ 0 आ गया। और इसको 10 में से माइनस करना है, 10 माइनस 1 9, तो इस तरह से यहाँ 0 9 हमारा आ गया। इसी तरह से आप इसको भी माइनस कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट वाले को 10 में से 9 गया 0, और राइट वाले को 10 में से, लास्ट वाला हमेशा 10 में से माइनस होगा, 10 में से 2 गए 8। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा 92, और जब 100 में से घटाएंगे इसको 0 8 आ जाएगा। जैसे कि हमने ट्रिक डिस्कस की, लेफ्ट वाले सारे नंबर 9 में से माइनस करते आएंगे और लास्ट वाला डिजिट होगा वो 10 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 9 में से 9 0, और लास्ट वाला डिजिट 10 में से घटाना है, 10 में से 2 को हम घटाएंगे तो 8। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, अब ये दोनों ही 100 से छोटे हैं, तो इसलिए हम माइनस साइन लगाया गया है, दोनों यहाँ पर माइनस साइन लगाया है हमने। तो ये ध्यान देना है कि ये जो माइनस साइन है, आगे माइनस प्लस भी आएगा, अलग अलग तरह के प्लस प्लस भी आएंगे, तो वो हर एक ट्रिक अलग अलग है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस साइन है, क्योंकि 100 से हमने इनको घटाया है 100 में से। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 8 से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हम इसमें से माइनस कर दें, 91 में से 8 को माइनस कर दें, या 92 में से 9 को माइनस कर दें, एक ही बात है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर वो आप लिख लीजिए। दूसरा जो है हम उसको सोल्व करते हैं, तो ये किस तरह से आएगा, 97 यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 9 में से 9 0, 10 में से 7 3। इसी तरह से इसको भी आप अरेंज कर ले, पहले हम सबको अरेंज करेंगे फिर इनके आंसर लिखेंगे। तो 93 के साथ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 07, यानी कि 9 में से 9 0, 10 में से 3 7। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये माइनस करेंगे, या यहाँ भी आप माइनस कर सकते हैं, जो भी आपको इजी पड़ता है। अब जो नेक्स्ट है, इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, 96 के साथ 04 आ जाएगा और 95 के साथ क्या आ जाएगा, 05 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम अरेंज करेंगे, 98 के साथ 02 आ जाएगा और 87 के साथ 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब जो इसका आंसर रहेगा, अगर हम इसका आंसर लिखें, तो वो क्या आएगा, 8372 आएगा। क्यों आएगा, देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया या 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 72 आ गया राइट हैंड साइड पर। और यहाँ पर देखिए एक के आगे दो जीरो हैं, तो हमें जो है राइट हैंड साइड पे दो ही नंबर रखने हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, 10 के अंदर एक ही नंबर था राइट साइड के अंदर, या 100 के अंदर दो जीरो हैं, तो राइट साइड में दो जीरो, दो डिजिट हम रखेंगे।
91 में से 8 को माइनस करेंगे 83, या 92 में से 9 को माइनस कर लीजिए 83 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया, आसान है। इसी तरह से 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा हमारा 21 आ जाएगा, और 97 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 90, यानी कि 9021 इसका आंसर रहेगा। यहां पर हम क्या करेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 20 आ जाएगा, और 96 में से 5 या फिर 95 में से 4 को घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये रहेगा 20 और यहाँ पे 91 इसका आंसर रहेगा। यहां पर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा 26, और 98 में से 13 को माइनस कर दें या 87 में से 2 को माइनस कर दें जो भी आपको इजी पड़े, तो यहां पर आ जाएगा 8526 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे हमने यहाँ पर देखा यहाँ 2 डिजिट ही आए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, फटाफट से आंसर आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है राइट साइड में 3 डिजिट आ जाते हैं, लेकिन हमें राइट साइड में 2 डिजिट ही रखने हैं क्योंकि एक क्या के 2 जीरो ही हैं। तो 91 को जैसे कि 88 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 91 के साथ जो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 में से 9 जीरो, 10 में से 1 गया 9, तो 09 आ गया। इसी तरह से 9 में से 8 को घटाएंगे 1 और 10 में से 8 को घटाएंगे 2, तो यानी कि 88 के साथ जो है हमारा 12 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करें तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर आप 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है 108 आता है, और 91 में से आप 12 को घटा देंगे या 88 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, ये 08 जो है हमें 2 ही डिजिट रखने हैं, यानी कि लास्ट वाले 2 डिजिट रखेंगे और जो 1 है इसको नीचे लिख लेंगे, और इस तरफ 91 में से जब 12 को घटाएंगे तो 79 आ जाएगा। इस एक को हम इस तरफ ऐड कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8008, यानी कि 71 प्लस 1 80 हो गया 8008 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है मल्टीप्लीकेशन करते चलेंगे, जो नियरेस्ट 100 है जिनके पास का नंबर 100 आता है तो वहां पर बेस 100 मानकर आप इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, आसान है। इस तरह के जो क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हैं। अब इसी तरह की कुछ प्रैक्टिस सेट हम ले लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या आप उनको कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो इनको आप सोल्व करें, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पर जो है 90 है तो पहले तो हम 90 लिख लेते हैं, और इसको 90 से मल्टीप्लाई करना है 90 यहाँ पर लिख लेते हैं। नियरेस्ट जो नंबर है 100 है, यानी कि बेस हमारा रहेगा 100 रहेगा। अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे इसको, हम जो है अगर जो 100 में से माइनस करें इसको, अगर इसके माइनस में हमें यहाँ पर लिखना है तो 9 में से 9 अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 0 आ जाएगा, और यानी कि यह 10 में से 0 को घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 10 ही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 10, इसी तरह से यहाँ पे आ गया 10। इसको हम सोल्व करेंगे, अभी सोल्व करेंगे इसको। अब हमें 97 यहाँ लिख देना है, 91 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 03 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 09 आ जाएगा। फटाफट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 96 यहाँ, 89 यहाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 04 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 99 है, यहाँ पे 97 है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 01, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 03 आ जाएगा। तो चलिए इनके जो आंसर हैं वो फटाफट से जो है आप लिख लीजिए। अब 10 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाता है, यानी कि 1 नीचे 2 जीरो ऊपर, क्योंकि हमें 2 डिजिट ही रखने हैं, और 90 में से 10 को घटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब इस 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये क्या आ गया 8100 ये आंसर आ गया, तो इसका आंसर ये रहेगा। इसी तरह से फटाफट जो है सेकंड क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ गया 27, और 97 में से आप 9 को या 91 में से आप 3 को घटा देंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8827, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 88 आ जाएगा, तो ये जो है आंसर आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या आ जाएगा 44, और 96 में से 11 को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8544, आसान है। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और यहाँ से 99 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 03 और 96, तो क्योंकि राइट में हमें क्या करना है 2 डिजिट रखने हैं, या 3 नहीं लिखेंगे 3 1 3 0 3 लिखेंगे, ध्यान देना है राइट में 2 डिजिट हमें रखने हैं। तो इस तरह से 99 में से 3 को घटाएंगे 96, तो ये हमारे आंसर रहेंगे। तो इस तरह से वैदिक मैथ्स के थ्रू जो है आप मल्टीप्लीकेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक जो है अलग होती है, हर एक क्वेश्चन पर आप हर एक ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये ध्यान देना है।
नियरेस्ट 10 की ट्रिक हमने देखी, नियरेस्ट 100 की ट्रिक हमने देखी। आगे हम फर्दर जो है इन क्लासेस की सीरीज को लेकर चलेंगे और अलग अलग तरह की ट्रिक्स हम देखेंगे और आसानी से फटाफट बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।